सुप्रभात बच्चों, मैं अनीता सिन्हा कक्षा 6 की हिंदी व्याकरण की शिक्षिका हूँ। बच्चों, पिछले क्लास में मैं आप लोगों को उपसर्ग के भेद पढ़ा रही थी। उपसर्ग के 4 भेद होते हैं, संस्कृत के उपसर्ग, हिंदी के उपसर्ग और उर्दू के उपसर्ग। इन तीनों भेदों को मैं पढ़ा चुकी हूँ। आज मैं आप लोगों को उपसर्ग का 4th भेद पढ़ाऊँगी, जो है संस्कृत के उपसर्ग की तरह प्रयोग होने वाले संस्कृत के अव्यय। तो आइए देखते हैं। बच्चों, यहाँ देखिए, उपसर्ग का 4th भेद है, जो पृष्ठ संख्या 62 में है। यहाँ देखिए, उपसर्ग की तरह प्रयोग किए जाने वाले संस्कृत के अव्यय। बच्चों, मैं आप लोग को पहले बता चुकी हूँ कि अव्यय क्या होता है। वैसे शब्द जिसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता है, जिसको ज्यों के त्यों लिखा जाता है। यहाँ देखिए, ये सारे उपसर्ग संस्कृत के अव्यय हैं और उपसर्ग की तरह प्रयोग होते हैं। यहाँ पर देखिए, अउपसर्ग, अउपसर्ग अभाव और निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। कैसे होता है? यहाँ देखिए, अउपसर्ग से बने शब्द अचेत, अजान, अलौकिक। अलौकिक जिसका अर्थ होता है जो इस लोक का नहीं होता है, अजान का अर्थ है जिसको कोई नहीं जानता है ना, अचेत जो बेहोश होता है, जिसकी चेतना नहीं होती है। तो यहाँ पर चेत, जान और लौकिक मूल शब्द है और इसमें अ उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ देखिए, अन निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। अन उपसर्ग से बने शब्द है अनर्थ, यानी सर्वनाश, अनादि, जिसका अर्थ होता है जिसका आदि पता नहीं चलता, यानी जिसका आरंभ पता नहीं चलता है। अनगढ़, जिसको गढ़ा नहीं जाता है, जैसे प्रकृति। तो इसमें गढ़, आदि और अर्थ मूल शब्द हैं और इसमें अन उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ देखिए, सत, सत उपसर्ग का प्रयोग अच्छा के अर्थ में होता है। सत उपसर्ग से बने शब्द देखिए सज्जन, सत्कार, सदाचार। अब यहाँ पर देखिए, सज्जन यानी अच्छा व्यक्ति। अब आपके मन में ये विचार उठ रहा होगा कि यहाँ पर ज है, तो नहीं है। क्यों नहीं है? मैं पहले आपको पढ़ा चुकी हूँ व्यंजन संधि में कि सत प्लस जन सज्जन होता है। ज ज संयुक्त व्यंजन आता है जब व्यंजन संधि होता है, तो इसलिए यहाँ पर सत उपसर्ग लगा हुआ है। सज्जन, सत्कार यानी सम्मान, जिसका अर्थ होता है सदाचार यानी अच्छा आचरण वाला, यानी अच्छा व्यवहार। अब यहाँ देखिए, तत, तत उपसर्ग से उपसर्ग वही और उसी का अर्थ में प्रयोग होता है। तत उपसर्ग से बने शब्द देखिए तत्काल, तत्सम, तल्लीन। ये लीन एक शब्द है, सम शब्द है और काल शब्द है। इसमें तत उपसर्ग लगा हुआ है। तत्काल जिसका अर्थ है उसी समय, तत्सम, तत्सम शब्द है जो मूल भाषा के शुद्ध रूप में रहता है। तत्सम शब्द आप लोग को पढ़ाए थे ना। उसके बाद देखिए, तल्लीन, किसी चीज में लीन रहना, तल्लीन। सह, सह उपसर्ग साथ के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे सहोदर। यहाँ पर उदर एक शब्द है, इसमें सह उपसर्ग लगा हुआ है, तो क्या नया शब्द बन गया? सहोदर, यानी एक ही माता पिता की संतान को कहा जाता है सहोदर, यानी सगा। सहचर, साथ चलने वाला। सहपाठी, साथ पढ़ने वाला। तो इसमें पाठी, चर और उदर मूल शब्द है, इसमें सह उपसर्ग लगा हुआ है। चीर, चीर बहुत के अर्थ में प्रयोग होता है। कैसे होता है? यहाँ देखिए, चीरकाल, चीरकाल यानी लंबे समय तक, चिरायु लंबी उम्र तक, चीर अस्थाई लंबे समय तक रहने वाला। तो इसमें अस्थाई, आयु और काल मूल शब्द है और इसमें चीर उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ देखिए, पूरा पहले के अर्थ में प्रयोग होता है, जैसे देखिए यहाँ पर पुरातन, पूरा उपसर्ग लगा हुआ है। पुरातन जिसका अर्थ होता है प्राचीन, पुरातत्व
पुरातत्व एक विद्या है जिसमें प्राचीन वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है कि कब बना, कब प्रयोग होता था, है ना। पुराविद जिसका अर्थ होता है प्राचीन इतिहास को जानने वाला, तो इन सारे शब्दों में पूरा उपसर्ग लगा हुआ है। यहाँ देखिए पुनः, पुनः फिर के अर्थ में प्रयोग होता है। पुनः उपसर्ग से बने शब्द यहाँ देखिए पुनर्जन्म, फिर से जन्म लेने वाला या फिर से जन्म होना, पुनर्विवाह फिर से विवाह होना, पुनर्वास फिर से रहने वाला। तो बच्चों उपसर्ग अध्याय आपका समाप्त हो गया। अब उपसर्ग में हम लोगों ने क्या जाना कि उपसर्ग एक शब्दांश है जो किसी भी शब्द के प्रारंभ में लगता है और एक नए शब्द का निर्माण करता है, और शब्द का निर्माण होने के बाद या तो उसका अर्थ बदल जाता है या फिर उसमें विशेषता आ जाती है। अब आप आ जाइए पृष्ठ संख्या 48 में। यहाँ देखिए पृष्ठ संख्या 48, पृष्ठ संख्या 48 में क्या है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। इसमें क्या किया जाता है, बहुत सारे शब्दों को एक शब्द में व्यक्त किया जाता है। एक शब्द में व्यक्त होने के बाद भाषा जो है सुगठित और संक्षिप्त हो जाती है। यहाँ देखिए क्रम संख्या 1, जो ईश्वर में विश्वास रखता है। देखिए यहाँ पर कितने सारे शब्द हैं, इन सारे शब्दों को एक शब्द में व्यक्त किया गया है आस्तिक, इसी को कहते हैं अनेक शब्दों का एक शब्द। यही आपका गृह कार्य है, अनेक शब्दों का एक शब्द में से क्रम संख्या 1 से लेकर के क्रम संख्या 20 तक आपको याद करना है, यही आपका गृह कार्य है। फिर मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी। धन्यवाद।